इधर सूरजपुर से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की के साथ गांव के ही चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। हैरानी की बात तो यह है कि मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ना समाज ने साथ दिया और ना ही परिवार ने, और प्रशासन की भूमिका तो वाह रे वाह। कहा जाता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति जितना गुनाहगार होता है उतना ही बड़ा गुनाहगार अपराध को छुपाने वाला भी होता है, खास तौर पर अपराध जब बलात्कार से जुड़ा हुआ हो। ऐसे में सूरजपुर के मामले को सुनने के बाद ये सवाल जरूर जहन में आता है कि क्या हम सभ्य समाज कहलाने के लायक हैं? सवाल ये भी कि क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है। चलिए इन सवालों पर उलझने से पहले पूरे मामले को जान लेते हैं। दरअसल सूरजपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की के साथ गांव के ही चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की मानसिक रूप से बीमार भी बताई जाती है। लड़की ने जब इसकी जानकारी परिजनों को दी तो परिजनों ने थाने में पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। तो क्या लड़की को न्याय मिल गया? जवाब है नहीं, क्योंकि आरोपी के पकड़े जाने के बाद समाज के तथाकथित ठेकेदार थाने पहुंचते हैं और पुलिस से इतने गंभीर मामले में समझौता करने को कहा। इसके बाद शुरू हुआ मानवता को शर्मसार करने की कहानी। आरोप है कि पुलिस ने पैसा लेकर आरोपियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। वहीं समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने गांव में बैठकर सभी आरोपियों को 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया और मामले को रफा दफा कर दिया। दूसरा आदमी गांव को बोल देंगे तो फिर क्या है कि इन लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम लोग बोल रहे हो, सबको तो आदमी सोच रहे हैं ना। अच्छा हम इन लोग का चढ़ाया पढ़ाया कि इन लोग को रिपोर्ट करवा देंगे, उल्टा कहा कि यही लोग कह देंगे कि नहीं फलाने तो बोला। कितना टाइम गए रही थाना सर? लगभग वो 4-4:30 बजे के आसपास उसे गए थे। पुलिस वाला बल यहाँ कितना रिमाइंड? यहाँ पुलिस वाला तो शाम को 6-7 बजे का लम सम आ रहे हैं, क्या कि वो जगह लान इंक्वायरी करे वो नर्सरी के अंदर गए रही। हाँ गए रही। कहाँ देख गए रही? ये क्या ये रूप पौधा दिख रहा है तेकर अंदर में सब पुलिस वाला कह रहे। महिला वाला पुलिस भी आ रही है? वो जगह हम नहीं गए थे, गाड़ी में आया यही जगह कट के गए हैं। मेन मतलब उन्हें कि भाई कनीलाल समझौता करवा और वो जो हो इसकी कितना देना है तो और का हो इस फिर की कब दे ही का दे ही वो उसका पूरा बात क्या है कि पूरा फाइनल नहीं कर पाए। वो टूट के सब चल गए आ रहे। अभी 2-2 लाख रुपए जो बोले हैं कहे कि ककरो घर में 2 लाख रुपए थोड़ी पड़ा हुआ है कि तुरंत ला के दे देंगे, कोई ढूंढे तब न देंगे। मतलब यमन का बोलेंगे कब चाहिए पैसा? ये टाइप की बात हुआ है मतलब चारों मंजिल। हाँ चारों ओके जो के पकड़े रही ओके वो कोई नहीं खाएगा लड़का, उसका माँ बाप लोग आए थे। नहीं एक जन के जो धरे रही पुलिस वाला मां तो वो घर में था ना। घर में था छोड़ दिन ओके छोड़ दिन निकला घर में हो रही। टोटल मतलब कि टोटल कितना पैसा में बात हो इसके सबको मिला के? 8 लाख। और जो में से 4 आदमी था तो 2-2 लाख करेंगे तो 8 लाख ना होगा। हाँ वो में से 4 लाख के देना हो? 4 लाख खाना में? 4 लाख खाना में देंगे तो कहेंगे उसमें कुछ खा देंगे कनीलाल दोबारे, सब पैसा तो नहीं देंगे थाना में। वही जब इस पूरे मामले की जानकारी एनडीटीवी तक पहुंची तब हमने अपना दायित्व निभाया और इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर सूरजपुर को दी। इसके बाद कलेक्टर रोहित व्यास ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CWC और सखी सेंटर की एक टीम बनाकर पीड़ित लड़की के घर बयान के लिए भेजा।
लड़की ने बयान दर्ज कराया, टीम ने लड़की का मेडिकल कराया, अब रिपोर्ट का इंतजार है जिसके आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से कल हमको सूचना प्राप्त हुई कि भड़गांव थाना क्षेत्र में एक गैंगरेप का शिकायत आया है और उसमें परिवार के लोगों के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, कोई शिकायत दर्ज नहीं करा है और लड़की का मेडिकल टेस्ट नहीं करा है। तो जैसे ही शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी तो जिले के जो DCPO हैं और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं वो तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुँचे और स्थिति का पूरा जायजा लिया और वहाँ पर ये समझ में आया कि कुछ लोगों के द्वारा अनावश्यक वहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था कि जो पीड़िता है उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो और उनके परिवार वालों के ऊपर भी काफ़ी दबाव था। तो जैसे ही SSP साहब को जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस विभाग के महिला अधिकारियों को वहाँ पर मौके पर भेजा और महिला बाल विकास विभाग के जो हमारी हमारे अधिकारी थे और पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा तत्काल वहाँ से जो पीड़िता है उनको सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया और आगे उसमें मेडिकल कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले की पुलिस उसमें विवेचना करेगी और फिर जैसा होगा आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सूचना मिली थी आज और सूचना मिलने के बाद हमारे जिले के जो संयुक्त टीम है जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड लाइन और सखी वन स्टॉप सेंटर से सदस्य जा करके उसको रेस्क्यू करके लड़की को लाए। लड़की से पूछताछ की गई तो उसके बारे यही बताया जा रहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है और लगातार किया जा रहा है, कई लोगों के द्वारा किया जाता है, पर कौन कौन लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में वो नहीं बता पा रही है और वो थोड़ी सी डरी हुई है, बहुत ही मतलब उसके अंदर डर है, उसको अचानक से कुछ बोलने पर वो चिल्ला रही है, ऐसा उसके अंदर है। तो अभी उसके लिए तत्काल MLC कराए जाने हैं तो हम थाना प्रभारी को लेटर दे रहे हैं, उसका MLC अभी कराया जाएगा, इसके बाद कल जो है आगे की कार्यवाही की जाएगी, थाना प्रभारी को आगे की कार्यवाही करने के लिए हम लेटर देंगे, MLC में जो भी रिपोर्ट आता है उसके आधार पर की जाएगी। इस पीड़ित लड़की का साथ जब पुलिस, समाज और उसके खुद के माँ बाप ने छोड़ दिया था तब सवाल बना कि क्या हम सभ्य समाज कहलाने के लायक हैं? और इसी समाज को सभ्य बनाने के लिए NDTV ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई। बहरहाल पीड़ित लड़की का साथ जब परिवार, समाज और उसके खुद के माँ बाप ने छोड़ दिया था तब भी NDTV ने अपनी मुहिम जारी रखी और अब उसको न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। ऐसे में जिले के कलेक्टर भी धन्यवाद के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और उसमें जांच टीम गठित की जिसको जांच का जिम्मा दिया। ऐसे में पुलिस अब भी कटघरे में है क्योंकि अगर वो सही दिशा में चली होती, सही ढंग से जांच कराई होती तो पीड़ित के जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होते। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।